हाय, दिस इज मनीष शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड वी डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल. सो आप निफ्टी का डेली चार्ट मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो. मैंने दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और अभी भी एक रेंज में फंसा हुआ है. सो अभी भी आपको यही एडवाइस होगा कि कोई डायरेक्शनल ट्रेड आपको नहीं लेना है, वेट एंड वॉच करना है. किसी भी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है. सो अगर अभी आप कोई डायरेक्शनल ट्रेड ले भी रहे हो तो कम क्वांटिटी में ट्रेड लेना है, और एडवाइजेबल यही होगा कि डायरेक्शनल ट्रेड भी फिलहाल नहीं लेना है. बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो एक रेंज में स्टक अप हो चुका है, और बैंक निफ्टी थोड़ा मुझे नेगेटिव लग रहा है. सो बैंक निफ्टी में थोड़ा एक नेगेटिव पोर्शन, शॉर्ट पोर्शन हम ले सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में, क्योंकि अभी भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है. तो यही एडवाइजेबल होगा, कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, डायरेक्शनल ट्रेड कम लेना है. बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुझे बेरिश लग रहा है. अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिए थे. मनापुरम फाइनेंस, मनापुरम फाइनेंस मैंने दिया था बाय 162 के अराउंड और 161.30 के आसपास ही क्लोज हुआ है. ये कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस के आसपास ही था. एसबीआई लाइफ मैंने आपको बाय दिया था 820 के अबव, और इसमें काफी अच्छा पैसा बना, 844 तक जाके आई है. इसमें हमें 15-20 रुपए का अच्छा खासा प्रॉफिट मिला. एंड मैंने आपको पीएफसी सेल दिया था 85 के नीचे, पीएफसी भी 83.50 तक जाके आया, इसमें भी काफी अच्छा पैसा बना. तो आई एम श्योर आप लोगों ने एसबीआई लाइफ और पीएफसी ये दोनों ट्रेड में काफी अच्छा पैसा बनाया होगा. अगर आपने पैसा बनाया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि एसबीआई लाइफ और पीएफसी दोनों में आपने प्रॉफिट कमाया है. अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है. सबसे पहला स्टॉक सिप्ला. सिप्ला मुझे स्ट्रक्चर काफी वीक लग रहा है, आप देख सकते हो, और ये थोड़ा सा रेंज में है. जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगा, जो कि मुझे हायर चांसेस लग रहा है ये ब्रेक करने वाला है, तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है 600 तक. तो इसमें 600 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं सिप्ला में. कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा. टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. नेक्स्ट स्टॉक होगा रामको सीमेंट. रामको सीमेंट आप देख सकते हो डबल टॉप फॉर्मेशन है, ऑलमोस्ट डबल टॉप है आप देख सकते हो, और उसके बाद फॉल कंटिन्यू फॉल है. इसमें भी एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है. मुझे लगता है यहाँ से 15-20 रुपए का मूवमेंट ऑन द डाउन साइड इजिली देखने को मिल सकता है. तो ये भी काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के सेशन के लिए. कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा. एंड लास्ट स्टॉक होगा टीसीएस. टीसीएस अगर आपको याद है मैंने 2100 के आसपास भी इसको बाई दिया था. वापस मैं इसमें बाय रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से 2250 ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है 2240 2250, तो ये रिटेस्ट हो सकता है. तो यहाँ से वापस 20-30 रुपए का और मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए इनफ होता है. तो इसमें 20-30 रुपए के मूवमेंट के लिए हम इंट्राडे प्ले कर सकते हैं. तो ये भी काफी अच्छा बाय कैंडिडेट रहेगा कल के सेशन के लिए. ये था एनालिसिस कल के सेशन के लिए. आई होप आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना. थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.